दिन रात टोरेंट के लिए लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं, पर लोगों को रोजगार नहीं है। ड्रग से बच्चे लोग हैरान हैं। हमारा कब्रिस्तान की जगह कहाँ गई? आपको मुमरा वासियों की फिक्र नहीं है? आप जितेंद्र अवार साहब, आप यहाँ के आमदार हो तो बाकी के चीजों पे भी बोलिए। सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय भीम। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आमदार जितेंद्र अवार जी का, तो मुझे लगा उसमें से कुछ बातें जमी नहीं। कुछ बातें उन्होंने की जो मुझे नहीं लगता है वो क्या बातें कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बातें, जैसे कि उन्होंने एक विषय कहा कि हम मुमरा में डेवलपमेंट की बात की उन्होंने, और 5 लाख स्क्वायर फुट का यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, वो कैसे बिकेगा? उनको उस चीज़ का टेंशन हो गया था कि 5 लाख स्क्वायर फुट जगह जो यहाँ पर डेवलपमेंट, जो बिल्डिंग्स बन रही है, वो क्या होगा उसका। तो मुझे लगता है कि उस पर ही ऐसा एक क्वेश्चन मार्क आया। हिस्सेदारी तो नहीं है आपकी, पार्टनरशिप है या कोई परसेंटेज है, तो इस पर इतना गौर डालना चाहिए था उन्होंने कल। लेकिन उन्होंने बहुत गौर से ये बात की, तो मुझे लगा बाकी के भी डेवलपमेंट उनसे पूछ लूँ कब होगा। मुमरा में बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ हैं, उन्होंने उन पर तो गौर किया नहीं। यहाँ पर दिन रात टोरेंट के लिए लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। टोरेंट का कुछ करो, लाइट नहीं आती है पूरे दिन, लाइट की बिल्स नहीं भरे जाते हैं, लोगों के पास कोरोना के बाद इतनी कमाई नहीं है, यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं है, यहाँ पर ड्रग से बच्चे लोग हैरान हैं। बीच में तो आपने देखा बच्ची कुछ ही बातें रह गई थी बेटियों की, वो बेटियों की भी इज्जत निकालने की कोशिश हुई मुमरा में। तो ये सब जवाब उनसे लेना है। स्कूल्स के क्या है, स्कूल के फीस नहीं भर पा रहे आज के हमारे यहाँ के लोग, और यहाँ पर कॉलेजेस, अभी कॉलेजेस का एडमिशन चालू होगा, कुछ अच्छा कॉलेज बनाया नहीं गया। उर्दू भवन कहाँ गया, हमारा स्वेटर हाउस कहाँ गया, हमारा कब्रिस्तान की जगह कहाँ गई, और ये डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है और ये कौन कर रहा है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में तो मुझे लगता है उस साइड जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है सभी को पता है, मुमरा वालों को, डेवलपमेंट कौन कर रहा है? वही तो नहीं जो जिसको अपने 5 करोड़ के शेड बना दिया, वही डेवलपमेंट की बात शायद आप कर रहे हो, या आपके लोग ही डेवलपमेंट यहाँ भी ज़्यादा कर रहे हैं तो उनकी बात कर रहे हो, या फिर अंदर और एक है कि जीपी बिल्डिंग जो लीगल नहीं है, जो बस 11-11, 12-12 माले की बन जाती है, उसमें लिफ्ट ही नहीं है, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप? तो डेवलपमेंट के बहुत सारे विषय है। आपने एक विषय पे कहा कि उनको रोजगार मिल रहा है, तो बाकी के रोजगारों का क्या हुआ? कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोग बेरोजगार है मुमरा में? आप विधानसभा के आमदार हो, आप जितेंद्र अवार साहब, आप यहाँ के आमदार हो तो बाकी के चीजों पे भी बोलिए, कहाँ है डेवलपमेंट? बहुत सारी विषय है, जैसे बीच में मेरे साथ हुआ, उसमें कुछ बच्चियों का नाम आया, किसी तरीके से उस बच्चियों को यूज किया गया, आपने तो कुछ डिमांड की थी, उसके बाद जब वो बच्चियों का नाम आता है, बच्चियों को इस तरीके से नकाब को यूज किया गया, उसके बाद को कुछ बोलिए? अच्छा, आपने कहा 400 लोगों का जो विषय आया है गाजियाबाद में हुआ है, आप वहां जाइए, वहां से पूरी चीजें निकाल के लाइए, वहां पर यहाँ पर एक नाम आया और नाम आया तो आपको आपके डेवलपमेंट की याद आ गई, आपको डेवलपमेंट की फिक्र हो गई, आपको लोगों की फिक्र नहीं है, आपको मुमरा वासियों की फिक्र नहीं है, आपको ये मुमरा में रहने वाले लोग हैं उनकी कोई फिक्र नहीं, यहाँ पर 13 से 14 लाख खाली मुमरा कौसा में रहते उनकी कोई फिक्र नहीं है। आप जो बोले ना, आपको पूछेंगे ये कैसे हुआ, कोई नहीं पूछता है आपको, कोई पूछने का इंटरेस्ट भी नहीं रखता है आपको, और ये बात मैं बहुत गर्व से बोल सकती हूं। अवार साहब, आज की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, हमारे सीएम साहब और गृह मंत्रालय, जो हमारे गृह मंत्री है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ में ठाणे पुलिस को सलूट है, वो इतना अच्छा काम कर रही है, तो इस मामले को भी वो बहुत अच्छे से देखेगी और अच्छे से सॉल्व करेंगी। तो आप उसके बीच में आपका डेवलपमेंट मत लाइए, लोगों को गुमराह मत करिए कि आपका डेवलपमेंट का क्या होगा, आपके लोगों का डेवलपमेंट का क्या होगा, कैसे घर बिकेंगे, कैसे लोग आएंगे जो रह रहे हैं ना लोग यहाँ पर मुमरा में, जो लोग रह रहे हैं जान हथेली पे लेके, आप जाइए देखिए बिल्डिंगों की हालत क्या है, 11-11 माला लोग कैसे चढ़ते हैं, आप देखिए जाके, आप उनकी फिक्र करिए, आपको उनकी कदर करनी चाहिए, आपको उनकी बात करनी चाहिए,
आप कोई भी घुमा फिरा के कौन से दुनिया की बातें करते हो आपको ही मालूम। आज महाराष्ट्र के मुमरा में जो जरूरत है आमदार की, जो आमदार को करना चाहिए, आज वो कर रहे हो क्या आप उसमें ध्यान दीजिए ना, आप उसकी बात करिए ना, उसके लिए सड़क पे आइए ना, उसके लिए महाराष्ट्र बंद करने की बात करिए ना, आप क्या बातों पे बात कर रहे हो। इसलिए मुमरा को बदनाम करने की काम आप कर रहे हो, मुमरा को बदनाम आप कर रहे हो, झूठा डेवलपमेंट आप बता रहे हो। मुमरा के लोगों को पूछ ले उनकी हालत क्या है। 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का जो मामला सामने आया है, इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कहा कि जो है मुमरा को बदनाम किया जा रहा है, अगर वो इस बात को पुलिस ने जिस तरह से बयान दिया 400 लोगों का, अगर वो साबित नहीं कर सकते तो 1 जुलाई को जो है मुमरा बंद रहेगा। देखियो क्या है, मतलब हमें प्रैक्टिस उसमें हमने किया नहीं है, वो चीज़ हमने सुनी है और वो पुलिस काम कर रही है उस पर, थाना पुलिस है या गाजियाबाद की पुलिस आई है वो काम कर रही है। तो उसमें मैडम कह रहे हैं कि 400 लोगों का अफवाह फैला दिया गया, क्या ये बात सच है या झूठ है, इसको पहले पुलिस को वेरीफाई करना चाहिए ना। तो पुलिस वेरीफाई कर रही है ना, एक व्यक्ति का नाम आया यहाँ पर, वो व्यक्ति को ढूंढते हुए पुलिस आई और जो भी है उसमें चल रहा है, काम चल रहा है, उसमें आमदार को चिल्ला के बोलने की कोई जरूरत, वो भी मदद करे। आपको क्या लग रहा है, क्या 400 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है वाकई में? जिसमें मालूमात कम हो उसके बारे में मैं क्या बोलूं? नहीं मैडम, जैसा गाजियाबाद की पुलिस यहाँ एक व्यक्ति को उठाने आई, वो एक आरोपी था उस केस में, मगर जो बाद में बातें निकल के आई, नेशनल मीडिया जिस तरीके से मुमरा की ढिल्ली उड़ा रहा है, मुमरा के लोगों को ये कह रहा है धर्म परिवर्तन 400 लोगों का किया गया है, तो गाजियाबाद के एक ऑफिसर ने जब स्टेटमेंट देने के बाद ये बातें उड़ने लगी, तो आप भी मुमरा में रहती हैं, तो आपको भी मालूम होना चाहिए 400 लोगों का धर्म परिवर्तन इधर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा था मुमरा को जो बदनाम करने का काम चल रहा है उसके ऊपर रखा था। ठीक है, हो गया। मुमरा को बदनाम करने का तो ये 400 का देखिए आंकड़ा जो है या किस पे कार्रवाई चल रही है, तो हमें यकीन है आज की सरकार पे और थाने पुलिस पे बिल्कुल वो ध्यान देंगी और इसका सब कुछ सच्चाई सामने आएगा। आप लोग को इतना तो विश्वास है ना, सच्चाई सामने आता है और बहुत अच्छे से आता है सच्चाई सामने। बहुत झूठी बातें होती है, बहुत चढ़ा बढ़ा के बोला जाता है, लेकिन सच्चाई सामने आता है और इंशाल्लाह इसका भी सच्चाई सामने आएगा। लेकिन मैं बोलूंगी, अगर 400 लोगों का आप चिल्ला के बोल रहे हो, आपने बोला, आपने साथ में डेवलपमेंट की भी बात की, आपको 400 लोगों की बात करनी थी क्या? मुमरा की इतनी फिक्र वाली बात हो रही, तो लेकिन आमदार को तो इसकी फिक्र हो गई। अगर मुमरा को मुमरा बदनाम होता है तो लोग यहाँ पर कैसे आके रहेंगे? वो चीज जैसे मुमरा की जो इकोनॉमिक है मुमरा के अंदर, अब ये जिस तरीके से 400 लोगों का बोल रहे, तो मुमरा में जो वर्क करने वाला आदमी है, जो काम करता है वहां, जो दूसरे हिंदू जो उनके साथ में दोस्त बन के चल रहे हैं, कल को वो उसको किस नजर से देखेंगे? ये मेरा धर्म परिवर्तन कराएगा ऐसा सोच के देखेंगे, तो मुमरा वासियों का इसमें कितना बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि एक ऑफिसर ने, सुनिए ना मैडम, एक ऑफिसर ने एक कॉल पे सुनी हुई बातों पे उन्होंने ये किया, मुमरा में 400 लोग कर रहे हैं, मगर 400 लोग का एविडेंस रख के उन्होंने बातें नहीं की है, तो उसपे जितेंद्र अवार्ड आमदार साहब ने जो आवाज उठाई है तो वो सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। माहिती निकाला आपने, पूछा किया, उसने आंकड़ा तो रख दी, आपने यहाँ चिल्ला दिया। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था, मेरे केस में यही हुआ था ना, आमदार तभी भी चिल्लाए थे ना, मेरे टाइम भी चिल्लाए थे। तो देखिए ये सब चीजें है, ये कानून के हाथ में है, पुलिस के पास है, पुलिस चौकसी करेगी, वहां से एक आंकड़ा आया है वहां पर, यहाँ अभी चौकसी चालू है। खुद कह रही है कि अभी ये 400 का आंकड़ा वेरीफाई नहीं किया गया है बिल्कुल। तो वेरीफाई आपने किया तो मीडिया में क्यों इंटरव्यू? देखिये मीडिया में उछाला कैसा, ये इस पे मेरे को नहीं मालूम है, मैंने उतना नहीं देखा है तो मुझे इस पे नहीं मालूम। लेकिन अगर मुमरा की बात करोगे तो मुमरा में तो आपको पता ही है ना, अगर उनके फेवर की कुछ चीज है, अगर
और उनको लगता है इसमें मसाला है और मेरे मेरे को लगता है बहुत काम आ जाएगा या मेरी टीआरपी बन जाएगी। तो मेरे टाइम पे भी तो यही हुआ था ना, आपने क्या कहा था मुझे, आप ये आरोपी है इसको अरेस्ट करो, आपने पूछा किया था मेरे टाइम भी, जब कुछ भी जो हुआ था, जो एफआईआर हुआ था उसमें कुछ चौकसी हुई थी, कोई निर्णय सामने आया था, तो मुझे तो आरोपी बना दिया था ना, मुमरा के नेता ने बनाया था ना, मुमरा सुनो ना, मुमरा के आमदार ने बनाया था ना मुझे आरोपी, तभी कोई डिक्लेयर हो गया था, कोई चौकसी हो गई थी। आमदार का भी कहना था जो एफआईआर आपने कराई, नहीं देखो मुझे उसके बारे में सुनो ना सुनो, नहीं एफआईआर ले ली थी, कभी बोला आमदार का भी तो कभी बोला, अरे माँ कसम कभी बोला एफआईआर जो कभी ना 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 नहीं नहीं नहीं, किसने की थी, आमदार ने बोला था, ये तो बात चली थी ना, क्या चली थी, अरे उन्होंने तो बोला था अरेस्ट करो आरोपी है, आपने जब कंप्लेंट कराए थे आपने तो करे थे, सबूत दिया था, सबूत तो सबूत 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 मैंने सबूत दी दी थी, वो वीडियो के जरिए ही मेरा एफआईआर हुआ, सुनिए ना आप, चौकशी करने के लिए ना मैंने वीडियो दी, पुलिस ने वीडियो देखा तब जाके एफआईआर हुआ। वो जो आज सामने आया, आज सामने आया, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी के परिवार की बहू नहीं हूँ, ठीक है, ये विषय में बाद में आप लोग को एक्सप्लेन भी करूंगी, एक एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आज का वो मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत बहुत गलत हुआ है, वो गलत पे मैं विस्तार में मुमरा के लोगों को समझाऊंगी किस तरीके से हुआ, किस तरीके से किसने क्या सपोर्ट किया, अभी भी कुछ चीजें आनी सामने बाकी है वो आएगी, लेकिन आज का विषय ये था कि अगर डेवलपमेंट की बात करते हो तो पूरी डेवलपमेंट की बात करें, नहीं तो आधे डेवलपमेंट की बात ना करें। आखिरी सवाल है, प्लीज, आप मुमरा में लगातार घूम रही है, सब मुमरा की जानकारी आपको है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी जात धर्म के लोग मिलकर रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल रहते हैं, मैं खुद उदाहरण हूँ उसकी, इसके बारे में मैंने, आपका क्या कहना, क्या नहीं, इसके बारे में काम ये पुलिस के पास है तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी